हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। वो तीनों चैप्टर आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए मिल जाएंगे। वो इसमें बात करने वाले हैं भौगोलिक स्वरूप के बारे में। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के सीमांत प्रदेशों में से एक है। इसके उत्तरी भाग में नेपाल तथा तिब्बत, उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड, पश्चिम में दिल्ली, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार, झारखंड की सीमाएं स्पर्श करती हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह प्रदेश 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भौगोलिक दृष्टि 77 डिग्री 3 से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक 23 डिग्री 52 तथा 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, इसके पूर्व से पश्चिम विस्तार है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार है 240 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 240 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अब 4th नंबर पर आ गए, जब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक थे तब तक 5वें नंबर पर आता था उत्तर प्रदेश, और जब से तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से फिर 4th नंबर पर आ गया 4वें नंबर पर। पहले नंबर पर आपका राजस्थान है, दूसरे पर MP है, तीसरे पर महाराष्ट्र और 4th नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित 3 भौगोलिक विभागों में वर्गीकृत है, तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं तराई प्रदेश। भावर क्षेत्र के समांतर संकीर्ण मिट्टी के रूप में विस्तृत समतल नम दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह समस्त क्षेत्र उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया जिला तक विस्तृत है। इसमें सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया जिलों के उत्तरी भाग शामिल हैं। इस भाग में उत्तर से आने वाली तीव्रगामी नदियां मंद पड़ जाती हैं। पत्थर धारा में आलोडित विलोडित होकर घिस जाती हैं। नदी इन्हीं पत्थरों को इस क्षेत्र में छोड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। पत्थरों की छाटन और मिट्टी की परत आगे चलकर जम जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है जिससे संपूर्ण जल क्षेत्र में फैलकर दलदल के रूप में प्रेरित हो जाता है। इस क्षेत्र की जलवायु हानिप्रद है, यहाँ मलेरिया जो बहुत होता है। तराइन का अधिकांश क्षेत्र साल, सैमल, हल, तेंदू आदि वृक्षों वाले घने वन और सवाना प्रकार की लंबी घास से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में धान और गन्ना की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। फिर हमारा गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। भावर और तराई का दक्षिण क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का निर्माण यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि द्वारा बहाकर लाई गई कांप मिट्टी कीचड़ एवं बालू से हुआ है। यह अंतर अत्यंत गहरा एवं उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें कहीं कहीं मिट्टी की गहराई 4,500 मीटर तक है। इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 मीटर से 250 मीटर तक है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग के ढाल की अपेक्षा अधिक है। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट मिट्टी एवं मिट्टी तथा संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उपभागों में विभक्त किया जा सकता है, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र।
वांगर क्षेत्र की बात करें तो पुरानी काप मिट्टी के उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ की भूमि ऊंची और है और जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। सैकड़ों वर्षों से कृषि उपयोग में आते रहने के फलस्वरूप बागर क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरकता शक्ति छीण हो चुकी है। फिर है खादर प्रदेश, खादर क्षेत्र उस भाग को कहते हैं जो निचले हैं और नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई नई मिट्टी की परतों को एकत्रित होने से बने। खादर क्षेत्रों में कछार पाए जाते हैं। कछारों की मिट्टी प्रतिवर्ष बदलने के कारण अत्यंत उपजाऊ है। वर्षा ऋतु में अधिकांश भागों में जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण खरीफ की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इन क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय करने के कारण वीड़ों का निर्माण हुआ है, जिनकी मिट्टी नितांत अनुपजाऊ है, जैसे यमुना और चंबल के वीड़े। गंगा यमुना के मैदान के निम्नलिखित उपविभाग और किए जा सकते हैं। गंगा यमुना दुआब, गंगा गोमती दुआब, गोमती घाघरा दुआब, ट्रांस घाघरा क्षेत्र, रोहिलखंड का मैदानी क्षेत्र। फिर दक्षिण का पठारी प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के दक्षिण में पठारी भाग है जो बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। इस क्षेत्र में झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिले तथा इलाहाबाद जिले की इलाहाबाद और करछाना तहसीलें, मिर्जापुर जिले का गंगा के दक्षिणी वाला भाग, वाराणसी जिले की चकिया तहसील सम्मिलित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी कैमूर और सोनपाल की पहाड़ियाँ 600 मीटर से अधिक ऊँची हैं। यहाँ पर सामान्यतः ऊँचाई 300 मीटर है। ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है, अर्थात इस प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर को है। मूलतः यह भारत के दक्षिणी पठार का उत्तर की ओर प्रसारित अंश है। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का क्रम इस पठारी भाग में मिलता है। इस पठार के पूर्व में कैमूर श्रृंखला का विस्तार उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले मिर्जापुर में चुनार तथा विंध्याचल तक चला गया है। यह पठार प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। भूमि पर कंकरीली, पथरीली एवं उजाड़ है। पहाड़ियाँ आवरण क्षय के कारण घर्षित अथवा अवशिष्ट रूप में पाई जाती हैं। इस प्रदेश की मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा, कैन, सोन और टोंस है, जिनमें चंबल, बेतवा और कैन पठार को काटती हुई यमुना में और सोन व टोंस गंगा में मिलती हैं। नदियों की पठारी क्षेत्र में संकीर्ण घाटियाँ पाई जाती हैं। पहाड़ों में स्रोत मिलते हैं और नदियाँ अनेक स्थानों पर जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। प्रदेश का अधिकांश भाग कृषि के अयोग्य है। केवल समतल भूमि वाले भागों में कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ वर्षा की भी कमी है, अतः शुष्क कृषि ही संपन्न होती है। राज्य के तराई क्षेत्र में भावर की तंग पट्टी पाई जाती है। यहाँ पर पहाड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं तथा मैदान की शुरुआत होती है। अतः इन पर्वतीय क्षेत्र में बहकर आने वाली नदियों से इन क्षेत्रों में तीव्र कटाव होता है। साथ ही अपने बहाव क्षेत्र के पार्श्ववर्ती भागों में बलुआ पत्थर, कंकड़, बालू आदि का निक्षेप भी करती हैं। मध्य हिमालय शिवालिक पहाड़ियों के बीच अधिक दबाव तथा भिचाव खिंचाव पड़ने से सीमांत दरारें पाई जाती हैं। यह क्रम प्लेस्टोसीन काल में से वर्तमान तक जारी रहा है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में जल की अधिकता है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियाँ एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के मध्य गंगा यमुना का मैदान विस्तृत है, जिसमें प्लेस्टोसीन युग से लेकर आज तक आबादी अवसादी पदार्थों का निक्षेप होता चला आ रहा। जिन क्षेत्रों में मोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं उन्हें भावर तथा महीन अवसादी वाले क्षेत्रों को तराई के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काप निक्षेपों को बांगर, नवीन निक्षेपों को खादर कहते हैं। यमुना नदी की काप मिट्टी में स्तनधारी जीवों के अवशेष वर्तमान में भी आसपास बिखरे हुए पाए गए। इस मैदान में पाई जाने वाली काप मिट्टी की मोटाई का अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका। इस राज्य की भूगर्भिक संरचना के अनुसार दक्षिण भारत
दक्षिणी भाग प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम गोंडवानालैंड महाद्वीप का भूभाग है। राज्य के दक्षिण में स्थित पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीप पठार का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा पूर्व कैम्बियन युग में हुआ है। इसके साथ ही मध्यवर्ती भाग में स्थित गंगा यमुना का मैदान हिमालय पर्वत से बहाकर लाई गई नवीन काप मिट्टी से निर्मित है, जो कि देश में उपजाऊ भूभाग में माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विंध्य क्रम की शैलों का समूह का निर्माण समुद्र से धरातल पर भूगर्भिक शक्तियों द्वारा क्षरण किए गए निक्षेपित पदार्थों के जम जाने से हुआ है। मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में पाए जाने के कारण इन चट्टानों को विंध्य क्रम की चट्टाने कहा गया जाता है। इन चट्टानों में अवशेषों का अभाव मिलता है। प्रमुख रूप से चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, शैल आदि प्राप्त हैं। आद्यकल्प में निर्मित नीस शैलों को बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड नीस कहते हैं। इन नीस शैलों में लाल ऑर्थोक्लीज, फेल्सफर, लाल क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेंड, क्लोराइड आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। इन शैलों के निर्माण के बाद ऊपरी विंध्य शैलों का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है। विंध्य शैलों के द्वारा कैमूर श्रृंखला की रचना हुई है, जिसमें कठोर बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट एवं कांग्लोमरेट प्राप्त है। गंगा यमुना नदी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में रवेदार शैल पाई गई है। टर्सरी कल्प कि अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित टैथिस सागर में भारी मात्रा में अवसादों के निक्षेप हो जाने के फलस्वरूप प्रदेश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। क्योंकि मध्यकल्प की समाप्ति के समय इस सागर में निक्षेपित पदार्थ भूगर्भित हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। प्लायोसीन युग में इसके निर्माण की तृतीय हलचलों के परिणाम स्वरूप शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ। जब ये अवसाद गोंडवाना लैंड की ओर अग्रसित न हो पाए तो निरंतर दबाव के परिणाम स्वरूप ऊपर उठे भाग में मुड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत और उसकी मोड़दार श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। मायोसीन युग में इन श्रेणियों के निर्माण को द्वितीय हलचल हुई, जब लघु और मध्य हिमालय पर्वत श्रेणियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात पूर्वी देशांतर में है इसका 77 डिग्री 3 से 84 डिग्री 39 तक। ठीक, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 240,928। तराई प्रदेश में मलेरिया ज्वर बहुत होता है। गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश अत्यंत गहरा है, उपजाऊ क्षेत्र है। इस मैदान की ऊंचाई लगभग 80 मीटर से 250 मीटर तक है। खादर क्षेत्रों की कछार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग दक्षिण में पठारी भाग है। दक्षिण का पठारी प्रदेश सामान्यतः 300 मीटर ऊंचा है। दक्षिण के पठारी प्रदेश का अधिकांश भाग कृषि आयोग है। विंध्य शैलों के द्वारा कैमूर श्रृंखला की रचना हुई है और गंगा यमुना नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में रवेदार शैलें पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इससे संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण जो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको बता देना है आगरा, जालौन आता है, हमीरपुर आता है, झांसी, आगरा नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो आपको बता देना है नीलगिरी पहाड़ियाँ, तराई क्षेत्र है, गंगा यमुना मैदान है, बुंदेलखंड है। चौथा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? तो आपको बता देना है बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर पाँच, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो आपको बता देना है सोनाकर। छठवा है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो आपको मिर्जापुर और सोनभद्र लगा देना है। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? याद रखिए 650 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का
भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए चौथरा। और आंध्र प्रदेश की बंटवारा ना हो, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं होने के पहले पांचवें नंबर पर था, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ चौथे नंबर पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, तराई क्षेत्र में की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, तो आपको बताना है धान एवं गन्ना। 10वां है गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश में कहीं कहीं मिट्टी की गहराई तक है, तो याद रखिए 4500 मीटर तक। 11वां है निम्नलिखित में से कौन सी तहसील दक्षिण का पठारी प्रदेश के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो याद रखिए गाजियाबाद। झांसी है, चाकिया है, हमीरपुर है, गाजियाबाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 12, दक्षिण का पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो याद रखिए 45,200 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन सही है, 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा यमुना के मैदान के कितने उपभाग और किए जा सकते हैं, तो आपको बता देना है 5। क्वेश्चन नंबर 14, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्न में कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है, तो याद रखिए इसमें संगमरमर का पत्थर नहीं होता है, चूना का पत्थर होता है, डोलोमाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। 15वां, निम्नलिखित में कौन सा स्थायी तराई प्रदेश में स्थित नहीं है, तो याद रखना आगरा नहीं है। कौन है? बहराइच है, पीलीभीत है, गोरखपुर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित मुख्य तथ्य और जानकारी। ठीक,